ऑलराइट, सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एंजल ब्रोकिंग एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, कैसे उसमें आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो एंड उसमें कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई उसके केवाईसी कैसे वेरीफाई करना है। तो अगर आपने उसका केवाईसी वेरीफाई नहीं किया तो उसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों को कल ही दे दिया था, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। आपका यूजर आईडी कैसे मिलेगा, आपका पासवर्ड कैसे मिलेगा, वो सब उस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो में आप लोगों में यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे शेयर खरीद के दिखाने वाला हूँ, प्लस उसे कैंसिल भी कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं जितना भी आपका शेयर रहेगा, प्लस इसका जितना भी टाइमिंग रहता है वो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है, ये एप्लीकेशन मेंटेनेंस में, इसी वजह से एक यहां पे शेड्यूल नोटिस आपको देखने को मिलेगा, तो इसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कट कर देंगे। एंड यहां पे आप लोगों को नीचे में यहां पे 5-6 बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे वॉच लिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, ऑर्डर हो गया, फंड हो गया या रिसर्च हो गया। फंड पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी यहां पे शेयर खरीदने के लिए आपको पैसा ऐड करना पड़ेगा। पैसा ऐड करने के लिए सिंपल सा फंड पे हम क्लिक करेंगे, तो यहां पे मेरा आईडी लॉगिन करने को बोल रहा था, मैंने यहां पे अपना फिंगरप्रिंट दे दिया, आईडी मेरा लॉगिन हो गया। उसके बाद मैंने यहां पे ऑलरेडी फंड यहां पे डिपॉजिट कर रखा है। अदरवाइज आपका यहां पे फंड डिपॉजिट नहीं है तो यहां पे फंड पे अबाउट ये देख लीजिए, ऐड फंड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके यूपीआई या गूगल पे या नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहां पे डिपॉजिट कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो अकाउंट आपने इसमें लिंक किया उसी अकाउंट से आपको यहां पे डिपॉजिट करना है। आपको अकाउंट कब लिंक करना है मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, उसमें आपको पता पड़ जाएगा अगर वो वीडियो आप वॉच करते हो तो। एंड जैसे यहां पे आप कोई भी कंपनी का अगर शेयर खरीदना चाहते हो, जैसे कि सीसीएल का मैं खरीदना चाहता हूं, तो एज लाइक यहां पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा या नहीं तो यहां पे देख लीजिए सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे सर्च का ऑप्शन है, यहां पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे यहां पे क्लिक करना है। सीसीएल या कोई भी कंपनी आपको यहां पे डालना है, एचडीएफसी डाल दीजिए, आईसीआईसी डाल दीजिए या एसबीआई डाल दीजिए, यहां पे कोई भी कंपनी डालना है। एज लाइक एचडीएफसी पे जैसे आप यहां पे सर्च करोगे तो यहां पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एचडीएफसी एनएसई या नहीं तो बीएसई। नीचे में यहां पे देख लीजिए, नीचे में बीएसई है या ऊपर में एनएसई है, यहां पे इसका प्राइस भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। तो हम एनएसई पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहां पे ऑटोमेटिक आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए आपका यहां पे एचडीएफसी का शेयर चल रहा है 2518 रुपए, यहां पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपल से इस पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहां पे देख लीजिए आपके यहां पे बाय एंड सेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इधर स्टॉक का पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा, यहां पे ये चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, कितने लोग बाय कर रहे हैं कितने लोग सेल कर रहे हैं आपको इसमें और इसमें दिख जाएगा। अभी क्या है, यहां पे आपका टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगा यहां पे कितने लोग बाय कर रहे हैं कितने लोग सेल कर रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि भाई सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप इसमें स्टॉक खरीद सकते हो, वो भी 9 से लेकर 3 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, तभी इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी टाइम में यहां पे अभी कुछ भी यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, बट हां आप यहां पे बिड लगा सकते हो, मतलब कि कोई भी परचेस कर सकते हो, वो आपका शेड्यूल में रहेगा। जैसे ही मार्केट ओपन होता है वो ऑटोमेटिक सबसे फर्स्ट आपका ही परचेस होगा शेयर, किसी और का नहीं होगा। यहां पे आप शेड्यूल में डाल सकते हो क्योंकि रीजन जैसे ही मार्केट ओपन होगा वैसे यहां पे स्टॉक खरीदना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये प्राइस बढ़ जाता है। तो आपका जो अभी 2518 रुपए प्राइस चला है इसी अभी रेट पे अगर आप शेड्यूल पे डालते हो तो ऑटोमेटिक आपका इसी रेट पे परचेस हो जाएगा। एंड यहां पे देख लीजिए सीसीएल में मैंने यहां पे परचेस करके रखा हुआ है, देख लीजिए आप लोगों को मैं यहां पे दिखा दूं, ये देख लीजिए 500 यहां पे स्टॉक मैंने बाय कर रखा है, प्लस एक स्टॉक और कर रखा है। कैसे आपको यहां पे बाय करना वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे सीसीएल कंपनी का यहां पे अभी यहां पे 35 पैसा स्टॉक चल रहा है, अभी क्या मेरे को पता है कि ये इन फ्यूचर जाके स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं इसलिए इस पे क्लिक करूंगा बाय पे। एंड बाय पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको क्वांटिटी डालना है, कितना स्टॉक आप खरीदना चाहते हो। एज लाइक मैं यहां पे 2 स्टॉक खरीदना चाहता हूं। एंड उसके बाद यहां पे लिमिट एंड मार्केट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो भाई लिमिट एंड मार्केट क्या है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि अभी मार्केट का वैल्यू यहां पे चल रहा है 35 पैसा, आप लोग देख लीजिए 35 पैसा चल रहा है। तो अगर मार्केट पे मैं क्लिक करके एंड बाय पे क्लिक करता हूं तो वो 35 पैसा पे ही क्लिक हो जाएगा, या नहीं तो लिमिट पे मैं क्लिक करूंगा यहां पे 35 पैसा चल रहा है एंड मैं यहां पे अदरवाइज 20 पैसा डाल देता हूं, तो जैसे ही मार्केट नीचे डाउन होगा एंड 20 पैसा को टच करेगा ऑटोमेटिक मेरा यहां पे बाय हो जाएगा शेयर। तो इसको बोलते हैं भाई लिमिट, या नहीं तो आप यहां पे 60 पैसा भी डालते हो, जैसे ही अप होगा मार्केट 60 पैसा को टच करेगा ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा जैसे भी आपका मन है वैसे आप कर सकते हो। अगर लॉन्ग समय के लिए आप अगर यहां पे शेयर बाय कर रहे हो तो आप यहां पे मार्केट पे ही क्लिक करके एंड बाय कर सकते हो। एंड एक दिन में जैसे सुबह खरीदना है शाम को बेचना है तो यहां पे इंटरडे या मार्जिन पे क्लिक करके आप बाय करके एंड इवनिंग तक सेल कर सकते हो। एंड बाकी यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बाय का ऑप्शन से, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अगर आपका मार्केट बंद है तो आपको यहां पे पूछा जाएगा, देख लीजिए आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि मार्केट अभी क्लोज है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो यस पे क्लिक करिए, नहीं तो आप बाद में कर सकते हो, इस ऑर्डर को बाद में लगा सकते हो। तो हम अगर शेड्यूल में डालना चाहते हैं तो सिंपल सा इस पे हम क्लिक करेंगे यस पे एंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो हमारा जो यहां पे प्राइस यहां पे फिक्स रहेगा उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा, या आपका 35 पैसा जो भी मार्केट का प्राइस है अभी 35 पैसा है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा 35 पैसे पे ही बाय होगा, फिर उसके बाद आगे का जो प्राइस रहेगा वो बढ़ेगा। तो सिंपल सा यस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं देख लीजिए मैं यस पे क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस हो गया एंड उसके बाद यहां पे हम बैक करेंगे एंड आपका जो ऑर्डर प्लेस रहेगा वो ऑर्डर में आके आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। देख लीजिए मैंने ये अभी लगाया ऑर्डर पे, जैसे ही मार्केट सुबह ओपन होता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से जैसे ही ओपन होता है आपका ये प्राइस जितना भी यहां पे हमने बाय कर रखा है ये ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये
जब ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा एंड उसके बाद जो आपका फंड रहेगा इसमें से कट हो जाएगा। बात करें इसमें और क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शंस मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनको कॉल पे बात कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आईपीओ का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मार्केट ओपन रहता है तो यहाँ पे आईपीओ बिकता है, मतलब कि शेयर यहाँ पे आईपीओ के थ्रू यहाँ पे लॉट में बिकता है। तो अगर आप लॉट में खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, नहीं अदरवाइज कोई भी ये नहीं है। अभी आईपीओ का तो है नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता। खैर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों तो नीचे आप मेरे को कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हो। बाकी ये आप लोग सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। किसी को रेफर करना चाहते हो तो यहाँ पे रेफर कर सकते हो, रेफर एंड अर्न का भी आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा। 500 रुपये यहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर भी देखने को मिलेगा। बाकी अगर कोई भी यहाँ पे शेयर खरीदते हैं एज लाइक जैसे कि मैंने ये वाला शेयर खरीदा एंड ये अगर 2 दिन हो जाता है, 1 दिन के बाद हो जाता है, तो ये हमारा शेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे पोर्टफोलियो के वॉलेट में आ जाएगा एंड वॉलेट में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शो होगा, यहाँ पे ऑर्डर पे नहीं शो होगा। रीजन क्योंकि ये जैसे आपका स्टॉक बाय हो जाता है, ऑर्डर डन हो जाता है, 1 दिन हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा एंड जितना भी आपका वैल्यू मतलब कि जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो सब इधर शो करता रहेगा। सो आई होप आप सबको जितना भी आपका डाउट था वो सब क्लियर हो चुका है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।